बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी भक्तों से मैं एक सत्य घटना कहूं, उस माँ की क्या दशा होगी। सजनों, एक मैया ने मजदूरी करने के बाद एक बच्चे को पढ़ाया। पति तो मर गए, और जिस माता का जवानी पर पति मर जाए वो टूट जाया करती है, वो माँ टूट जाती है। सजनों, पति दुनिया से समाप्त हो गया, और उस बूढ़ी माँ ने मजदूरी करके ये संकल्प ले लिया, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी। ध्यान दे, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी। वो मैया मजदूरी करती है और बच्चे की फीस भरती है, बच्चे को पढ़ा करके डॉक्टर बना दिया। और जब बच्चे को पढ़ा करके डॉक्टर बनाया, बच्चे को पढ़ा करके डॉक्टर बनाया, मन में विचार किया, अब ये बच्चा जब पढ़ करके डॉक्टर बना, ये शहर में जाकर के रहने लगा। लेकिन वो बूढ़ी माँ आज भी मजदूरी करती है, बच्चा डॉक्टर है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल लिया, पत्नी भी डॉक्टर नहीं है, विवाह भी कर लिया। ध्यान देना मेरे भक्तों, ये बूढ़ी माँ आज भी मजदूरी कर रही है, जिस मजदूरी करके जिस बेटे को डॉक्टर बनाया वो शहर में रहने चला गया, और वो मैया आज भी मजदूरी कर रही है। एक दिन ये माँ बीमार पड़ गई सज्जनों, और ये माँ जब बीमार पड़ी, माँ टूट गई, पैसा है नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, अरे बुढ़िया, तैने मजदूरी करके अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, तेरे बेटे का बहुत बड़ा शहर में हॉस्पिटल है। कहने लगी, मुझे मेरे बेटे का पता नहीं मालूम है, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी कैसे। बोले, जब तू शहर में जाएगी, किसी भी रिक्शे वाले से कह देगी तो तेरे बेटे के हॉस्पिटल में पहुंचा देगा, तेरे बेटे का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ध्यान देना मेरे भक्तों, जिस माँ ने बच्चे को अरमानों से पाला, मजदूरी करके बड़ा किया, आज वो बेटा शहर में रहता है, वो बेटा शहर में रहता है। सजरों, मेरे भाई बहन, अब उस मैया को जब गांव वालों ने कहा, तेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है, अपने बेटे से इलाज करवा ले, अब ये बूढ़ी मैया पूछते पूछते शहर में पहुंच गई। रिक्शा वाले को अपने बेटे का नाम बताया, बड़ा डॉक्टर था, रिक्शा वाले ने हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। दरवाजे पर पहुंची तो डॉक्टर निकल करके बाहर आया, कहने लगा, रही माँ तू और तू यहाँ आ गई, हा हा, देखो धन्य है जिस मैया ने मजदूरी करके बच्चे को पाल करके डॉक्टर बनाया। और वो बेटा कह रहा है, माँ तू यहाँ हॉस्पिटल में आ गई। हाँ बेटा, मैं हॉस्पिटल में आ गई, मैं बीमार हूं, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं। कहने लगा, माँ तो चिंता मत करे, खैर मुझे माफ करना, मैं तेरे पास नहीं आया, चल मैं तेरा इलाज करूंगा। सज्जनों, उस डॉक्टर ने सारी मैया के चेकअप को किया, ध्यान देना भक्तों, और चेकअप करने के बाद मैया को एडमिट कर लिया, माँ अब मैं तेरा बेटा तेरा इलाज करूंगा। 13 दिन मैया हॉस्पिटल में रही, बेटे ने इलाज किया, अब मैया इलाज से ठीक नहीं हुई, मैया तो अपने बच्चे के प्रेम से ठीक हो गई। सज्जनों, कहने लगी, बेटा अब मैं स्वस्थ हूं। कहने लगी, माँ अब स्वस्थ हो तो अपने घर चली जाओगे, तुम्हारी बहू भी डॉक्टर नहीं है और मैं भी डॉक्टर नहीं, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। धिक्कार है ऐसे बेटे को, जिस माँ ने मजदूरी करके बेटे को पाला और डॉक्टर बनाया, वो बेटा आज मैया से कह रहा है, माँ अब गाँव चली जाओ। बेटा, गाँव में अकेली रहती थी, मजदूरी करती, जैसे तैसे मैं तेरे दरवाजे पर आई, और तू ये कह रहा है कि गाँव चले जाओ। सज्जनों, टूट गई वो माँ, और जैसे ही मैया जाने लगी तो उसने जेब में हाथ डाला, ध्यान देना भक्तों, और उसने जैसे ही जेब में हाथ डाला तो मैया ने समझा, हो सकता है मुझे किराए के लिए पैसे देगा। उसमें किराए के लिए पैसे नहीं थे, उसमें जो 13 दिन का बिल था वो डॉक्टरों का बिल था हाथ में। कहा, माँ ये बिल लेकर के जाओ, 13 दिन मैंने तुम्हारा इलाज किया है, काउंटर पे जाके इस बिल को भरते जाना, इस बिल को भरते जाना। ओहो, जो मैया ने ये बात सुनी, माँ टूट जाती है, बेटा अगर मैंने मजदूरी करके तुझे डॉक्टर बनाया तो तेरी माँ तेरा बिल भी आज भर के जाएगी, तेरा बिल दे करके जाएगी। लेकिन मेरे लाल, मुझे इतनी अनुमति दे दे कि मैं अपने गांव चली जाऊं, और गांव से आकर के मरने से पहले मैं तेरा बिल भर दूंगी। सज्जनों, तुझे मैंने पढ़ा करके डॉक्टर बनाया तो क्या मैं तेरा बिल नहीं भर पाऊंगी। टूट गई वो माँ, रो पड़ी वो माँ, कहने लगी, रे बेटा एक बात बता,
अरे तूने तो 13 दिन का बिल बना करके मुझे दे दिया, और तुझे याद है 9 महीना मैंने तुझे अपने पेट में रखा था और मैं 9 महीने का बिल बना करके तुझे दूं, तो क्या तू भर पाएगा? संसार का प्रत्येक दूध आप संसार से खरीद सकते हो, गाय का दूध मिल जाएगा, भैंस का मिल जाएगा, बकरी का मिल जाएगा, लेकिन मैं आप सभी भक्तों से जानना चाहता हूं, कोई माँ का दूध खरीदना चाहे तो माँ का दूध मिलेगा क्या? अरे तेरे ने तो 13 दिन का बिल दे दिया, और याद कर मैं अगर 9 महीने का बिल दे दूं, और ज्यादा बड़ी बात नहीं कहती, तू मेरे दूध का ऋण भी नहीं चुका पाएगा। जा, तू 13 दिन का बिल मांगता है तो सिर्फ 1 दिन का दूध माँ का ला करके मुझे दे दे। धन्य हैरी माँ। और वो माँ टूट गई, घर आई और आकर के उस माँ ने मजदूरी करी, किसी से कर्ज लिया, इधर उधर से कर्ज लिया, और जा करके उस अपने बेटे का बिल काउंटर पे चुका दिया। धिक्कार है ऐसे बेटे को जिस माँ ने मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया और डॉक्टर बनाया। उस माँ ने 13 दिन के इलाज के पैसे ले लिए सजनों। मजदूरी करके माँ 4 बेटों को पाल देती है, लेकिन 4 बेटों से मिलकर के एक माँ पाली नहीं जाती। धिक्कार है ऐसे लोगों। बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब